अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वबाई मर्ज़ की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है। इस वबा के फैलते ही बहुत सारे इवेंट्स जो है वो कैंसिल हो गए हैं, जिसमें से वर्ल्ड कप भी कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, आईपीएल को मनसूख कर दिया गया, पीएसएल को मनसूख कर दिया गया और बड़े बड़े जो है वो काम जो है वो मनसूख कर दिए। टोक्यो ने ओलंपिक्स गेम को और इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो कैंसिल कर दी हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के हवाले से। आईपीएल को पहले डिले किया गया था काफ़ी अर्से के लिए, तकरीबन 12 दिन के लिए डिले किया गया था। 21 दिन का लॉकडाउन था, 12-13 दिन के बाद आईपीएल को दोबारा ओपन करवाया जा सकता था अप्रैल में, लेकिन इंडिया में बढ़ती हुई मौतों की वजह से और बढ़ते हुए केसेस की वजह से, नए केसेस सामने आने की वजह से आईपीएल को जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग को इस बार मनसूख किया जा चुका है। और ये ऑफिशियल खबर आपसे शेयर कर रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि काफ़ी मकबूल लीग है दुनिया की, उसको पीएसएल के बाद जो है वो होना था अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में वो नहीं होने जा रही, उसको मनसूख कर दिया गया है। इंडियन ज़राए के मुताबिक ये खबर ट्विटर पर भी शेयर की जा रही है कि इस बार 2020 में आईपीएल जो है वो इंडियन फैंस को नहीं देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मकबूल लीग है ये। और पीएसएल के बाद, पीएसएल को भी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे कोविड-19 की वजह से, और इसके बाद आईपीएल को भी कैंसिल कर दिया गया है। ये एक बुरी खबर है आईपीएल के फैंस के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।